नमस्कार आपका चैनल पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में, में हृदय की गहराइयों से स्वागत है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं सऊदी आराम को रीगर लेवल थ्री रिटर्न सर्टिफिकेट टेस्ट के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में रीगर लेवल थ्री से रिलेटेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वाला वीडियो का पार्ट वन बना चुका हूँ अगर आप पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखे हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया हूँ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं रिगर लेवल थ्री के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर का पार्ट टू चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर छब्बीस है वाट टाइप ऑफ स्लिंग प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सीबिलिटी एंड ग्रीप इसका मतलब है कि किस प्रकार का सीलिंग सबसे अधिक लचीलापन और पकड़ प्रदान करता है तो ऑप्शन ए है वायर रोप सिलिंग्स ऑप्शन बी है चैन सीलिंग्स ऑप्शन सी है सिंथेटिक फाइबर सिलिंग्स ऑप्शन डी है वायर में है स्लिंग तो इसमें से सही आंसर है सी सिंथेटिक फाइबर स्लिंग्स अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट काइंड ऑफ डैमेज टू द स्लिंग इज शो मतलब कि इस पिक्चर की सहायता से सीलिंग में किस प्रकार का डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हुआ है ऑप्शन ए है ब्रोकेन वायर्स टूटा हुआ तार ऑप्शन बी है क्रोजन जंग लगा हुआ ऑप्शन सी है किंग किंग यानी कि लगा हुआ ऑप्शन डी है फ्लैटनिंग यानी कि चपटा हुआ तो इसमें से सही आंसर है ए ब्रोकन वायर्स अगला क्वेश्चन है वायर ऑफ स्लिंग आर कॉमनली यूज विकॉज दे मतलब कि वायर ऑफ स्लिंग आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वे ऑप्शन ए है डू नॉट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस इसको रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है ऑप्शन बी है डू नॉट डैमेज लोड्स लोड को डैमेज नहीं करता है ऑप्शन सी है आर वेरी फ्लेक्सिबल बहुत लचीले होते हैं इसीलिए ऑप्शन डी है कम इन मेनी साइज एंड हार्डवेयरिंग कई आकार में आते हैं और वे कड़े होते हैं तो इसमें से सही आंसर है डी कम इन मेनी साइज एंड हार्डवेयरिंग अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर टाइप ऑफ डैमेज टू वायर स्लिंग मतलब कि वायरफ सीलिंग के लिए प्रमुख प्रकार के डैमेज यानी क्षति होने का कारण क्या है ऑप्शन ए है ब्रोकेन स्टिचेज, ऑप्शन बी है ब्रोकेन लिंक्स ऑप्शन सी है किंकिंग ऑप्शन डी है स्टेचेज लिंक्स तो इसमें से सही आंसर है किंकिंग यानी कि ऐठन लगा हुआ अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शो मतलब कि इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है चैन होस्ट ऑप्शन बी है कमलांग ऑप्शन सी है हैंड ऑपरेटेड विंच हाथ से चलाने वाली चरखी, ऑप्शन डी है टर्नबकल तो इसमें से सही आंसर है ए चैन होस्ट अगला क्वेश्चन है व्हेन इंस्पेक्टिंग ए चैन फॉल होस्ट फॉर वियर एंड डैमेज वन ऑफ द मेन थिंग्स टू लुक फॉर इज मतलब कि चेन होस्ट को यूज करने से पहले जो मुख्य वस्तु है क्या चेक करते हैं ऑप्शन ए है दैट इज पेंटेड ऑप्शन बी है द मैनुफैक्चर नेम ऑप्शन सी है दैट इज लुक्स क्लीन ऑप्शन डी है और डैमेज लोड हुक तो इसमें से सही आंसर है डी और डैमेज लोड हुक इसके अलावा और भी चेक करते हैं इसके बॉडी पर कहीं क्रैक तो नहीं है इसका हुक सेफ्टी लॉचेस सही से काम कर रहा है कि नहीं इसके लिंक्स कहीं डैमेज तो नहीं है ये सब भी चेक करते हैं अगला क्वेश्चन है चेन होस्ट किस पोजीशन के लिए और क्यों यूज किया जाता है ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट लोड फ्रॉम सॉर्प एजेस किनारे पर जो धार होता है उससे भार को सुरक्षित रखे ऑप्शन बी है लिफ्ट टू लोड्स एट द सेम टाइम एक ही समय में दो भार उठाता है ऑप्शन सी है लिफ्ट लोड्स वर्टिकली एंड बैलेंस लोड उद्वादर या लंबवत भार को उठाने के लिए ऑप्शन सी है पुल लोड हर्जेंटली हर्जेंटल भार को खींचने के लिए तो इसमें से सही आंसर है सी लिफ्ट लोड्स वर्टिकली एंड बैलेंस लोड अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो आप उपकरण देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है चैन होस्ट ऑप्शन बी है कमलांग ऑप्शन सी है टर्न बकल ऑप्शन डी है हैंड ऑपरेटेड विंच तो इसमें से सही आंसर है डी हैंड ऑपरेटेड विंच अगला क्वेश्चन है हैंड ऑपरेटेड विंच क्यों यूज किया जाता है ऑप्शन ए है एडजस्टिंग सीलिंग लेंथ सीलिंग की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन बी है पूल एंड लिफ्ट लोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस लंबी दूरी पर लोड को और उठाने के लिए ऑप्शन सी है बैलेंस लोड्स ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट सीलिंग फ्रॉम सर्फ एजेस सीलिंग लोड को सर्फ एजेस से बचाने के लिए तो इसमें से सही आंसर है बी पुल एंड लिफ्ट ओवरलोड लॉन्ग डिस्टेंसेज अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है सेकल ऑप्शन बी है प्लेट क्लैम्प ऑप्शन सी है स्प्रेडर बीम ऑप्शन डी है रोप क्लिप तो इसमें से सही आंसर है डी वायरोप क्लिप नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम भी क्या है ऑप्शन ए है चैन होस्ट ऑप्शन बी है वर्टिकल पूल ऑप्शन सी है कमलांग ऑप्शन डी है वर्टिकल लिफ्ट तो इसमें से सही आंसर है कमलांग अगला क्वेश्चन है कमलांग का उपयोग किस लिए किया जाता है ऑप्शन ए है स्विंग हैवी लोड्स ऑप्शन बी है पुल्स हरीजेंटली एंड मैकवेटिकली लिप्ट ऑप्शन सी है पुलिस लोट ऑप्शन डी है लिप्ट लोट्स ओवर फाइव टन तो इसमें से सही आंसर है बी पुल्स हरीजेंटली एंड मैकवेटिकली लिप्ट अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो कनेक्टिंग इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है जर टू आई कम्बिनेशन टन बकल ऑप्शन बी है जा टू जा कम्बिनेशन टर्न बकल ऑप्शन सी है हुक टू आई कम्बिनेशन टर्न बकल ऑप्शन डी है हुक टू हुक कॉम्बिनेशन टर्न बकल तो इसमें से सही आंसर है सी हुक टू वाई कम्बिनेशन टर्न बकल अगला क्वेश्चन है टर्न बकल किस लिए यूज किया जाता है ऑप्शन ए है लिफ्ट हैवी लोड्स भारी भार को ऑप्शन बी है एडजस्ट द टेंशन एंड लेंथ ऑफ स्लिंग सीलिंग के तनाव और लंबाई को कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट सीलिंग्स फ्रॉम शार्प एजेस सीलिंग को शार्प एजेस से बचाने के लिए ऑप्शन डी है लिप टू लोड्स एट द सेम टाइम एक ही समय में दो भार को उठाने के लिए तो इसमें से सही आंसर है बी एडजस्ट द टेंशन एंड लेंथ ऑफ सीलिंग अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो क्रेन देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है ओवरहेड क्रेन ऑप्शन बी है टावर क्रेन ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक बूम क्रेन एंड क्रावलर क्रेन ऑप्शन डी है लैटिस बूम क्रेन तो इसमें से सही आंसर है सी हाइड्रोलिक बूम क्रेन एंड क्रावलर क्रेन इस वीडियो में दो क्रेन के बारे में बताया हूँ और जो दस बारह प्रकार के क्रेन होते हैं फिगर के साथ उनका भी नाम याद रखिए अगला क्वेश्चन है इन दोनों पिक्चर में जिस कंपोनेंट को एरो दिखा रहा है उसका नाम क्या है ऑप्शन ए है बूम ऑप्शन बी है काउंटरवेट ऑप्शन सी है मेन होस्ट एंड जीप ऑप्शन डी है आउटरिगर तो इसमें से सही आंसर है सी मेन होस्ट और जीप क्रेन के सभी पार्ट का नाम याद रखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो रिगिंग इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है स्क्रू जैक ऑप्शन बी है इजी जैक ऑप्शन सी है स्टेप जैक ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक जैक तो इसमें से सही आंसर है सी स्टेप जैक अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड स्टेप जैक कैन लिफ्ट यानी कि स्टेप जैक से अधिकतम बार कितना उठा सकते हैं ऑप्शन ए है पंद्रह टन ऑप्शन बी है बारह टन ऑप्शन सी है चौबीस टन ऑप्शन डी है एनी वेट तो इसमें से सही आंसर है सी चौबीस टन अगला क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन यू मस्ट यूज हाइड्रोलिक जैक्स यानी कि हाइड्रोलिक जैक किस पोजीशन के लोड को उठाने के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल ऑप्शन बी है एंगल ऑप्शन सी है अपसाइड डाउन ऑप्शन डी है वर्टिकल तो इसमें से सही आंसर है डी वर्टिकल लोड वर्टिकल लोड को उठाने के लिए यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो आदमी सिग्नल दे रहा है इसका मतलब क्या है ऑप्शन ए है यूज़ द मेन होस्ट ऑप्शन बी है लोवर द होस्ट ऑप्शन सी है लोअर द लोड ऑप्शन डी है रेस द बूम तो इसमें से सही आंसर है ए यूज द मेन होस्ट क्रेन के सभी सिग्नल को जान लें किससे क्या होता है सिग्नल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्नल कैन एनी रिगर वर्किंग ऑन द जॉब गिव एट एनी टाइम इसका मतलब है कि काम करते समय कोई भी रिगर काम करने वाले को कौन सा सिग्नल दे सकता है ऑप्शन 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 ए है 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 बी स्टॉप, सी द बूम, डी लंच ब्रेक तो इसमें से सही आंसर है एमरजेंसी स्टॉप वाला सिग्नल कोई भी रिगर दे सकता है अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक सीलिंग आर यूज्ड व्हेन लोड इसका मतलब है कि लोड उठाते समय सिंथेटिक सीलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है ऑप्शन ए है वुड बी डैमेज बाई अदर टाइप्स ऑफ सीलिंग्स क्योंकि अन्य प्रकार के सीलिंग से डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगा ऑप्शन बी है हाई शार्प एजेज क्योंकि इसके पास तेज धार है ऑप्शन सी है इज लेस देन टू टन क्योंकि यह दो टन से कम के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन डी है मोर देन फाइव टन पाँच टन से अधिक के लिए तो इसमें से सही आंसर है ए बी डैमेज बाई अदर टाइप्स ऑफ सीलिंग्स अगला क्वेश्चन है वॉट इज द मोस्ट सुटेबल सीलिंग टू लिफ्ट अ लोड दैट कैन बी ईजली स्क्रेच्ड और डैमेज इसका मतलब है कि भार को उठाने के लिए सबसे उपयुक्त सीलिंग क्या है जिसे आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है या डैमेज हो गया हो ऑप्शन ए है सिंथेटिक बेल्ट सीलिंग ऑप्शन बी है ए चैन सीलिंग ऑप्शन सी है अवायर सीलिंग ऑप्शन डी है सीलिंग। तो इसमें से सही आंसर है ए। सिंथेटिक बेल्ट सीलिंग अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ हिच सो यानी कि इस पिक्चर में जो हिच देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है वन लेग चोकर ऑप्शन बी है टू लेग ब्रिडल ऑप्शन सी है टू लेक चोकर ऑप्शन डी है टू लेग वास्केट तो इसमें से सही आंसर है सी टू लेग चौकर अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर एंड द टेबल व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हिच अरेंजमेंट शो इसका मतलब है कि पिक्चर और तालिका की सहायता से बताइए हिच की क्षमता कितना होगा तो ऑप्शन ए है तेरह हजार पाँच सौ पचहत्तर एल बी ऑप्शन बी है अठारह हजार एक सौ एल बी ऑप्शन सी है बाईस सौ एल बी ऑप्शन डी है तेईस हजार छह सौ एल बी तो इसमें से सही आंसर है ए तेरह हजार पाँच सौ पचहत्तर एल बी आपको लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन निकालने आना चाहिए एग्जाम में लोड कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो यह था सऊदी आराम को में लेवल थ्री के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर का पार्ट टू वीडियो तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कोई भी सवाल आपके मन में रह गया हो तो कमेंट करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद